नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल अल्टीमेट नॉलेज पर। दोस्तों, इस कहावत में 100% सच्चाई है कि चीन के लोग अपनी लाइफ में हर उस चीज़ को खा लेते हैं जो कि चलती है, उड़ती है या फिर तैरती है, सिवाय प्लेन, मोटर गाड़ी और मेज और कुर्सी को छोड़ करके। लेकिन चीन के लोग खाने पीने के मामले में दुनिया के अन्य लोगों से पूरी तरह से अलग है। दोस्तों, चीन में खाने पीने का इतिहास काफ़ी समृद्ध है और चीन के लोग ऐसी ऐसी चीज़ें खाते हैं जिसे खाना हमारे और आपके बस का तो बिल्कुल भी नहीं है। यूं तो चीन में भी आटा, दाल, चावल और इसके साथ साथ हरी सब्जियां काफ़ी प्रचुर मात्रा में पाई जाती हैं, लेकिन इसके बावजूद भी चीन में लगभग 60 से लेकर 70% ऐसे लोग हैं जो कि नियमित तौर पर मीट का सेवन करते हैं। दोस्तों, चीन में मीट का सेवन इसलिए भी किया जाता है क्योंकि चीन में आमतौर पर ये माना जाता है कि जो लोग हरी सब्जियाँ या फिर शाकाहारी चीज़ें खाते हैं वो लोग दूसरे लोगों की तुलना में गरीब होते हैं। चीन के लोग अपनी लाइफ में बहुत सी ऐसी चीज़ें खाते हैं जिन्हें खाना हमारे और आपके बस का तो बिल्कुल भी नहीं है। आप सब लोगों ने इस बात को सुना होगा कि चीन के लोग अपनी लाइफ में कुत्ता, बिल्ली, घोड़ा, गधा, यहाँ तक कि हर चीज़ को खा जाते हैं। लेकिन क्या आप लोग इस बात को जानते हैं कि आखिरकार चीन के लोग अपनी लाइफ में ब्रेकफास्ट करते समय किन चीज़ों को खाना सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं? नंबर 1, केकड़ा। दोस्तों, चीन में अक्सर ब्रेकफास्ट के समय लोग केकड़े को खाना काफ़ी पसंद करते हैं। वहाँ पर केकड़ा कई तरह से बनाया जाता है। खास तौर पर चीन में लोग ब्रेकफास्ट के समय केकड़े को चावल में पका करके खाना काफ़ी पसंद करते हैं। केकड़े का सूप भी चीन में आम तौर पर ब्रेकफास्ट का हिस्सा माना जाता है। नंबर 2, घोंघा। दोस्तों, चीन के लोग अपनी लाइफ में घोंघा भी काफ़ी शौक से खाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि चीन के लोग इसका सूप पीना काफ़ी पसंद करते हैं। साथ ही साथ चीन में घोंघा अन्य तरीकों से भी बना करके खाया जाता है। नंबर 3, मगरमच्छ। दोस्तों, चीन के लोग अपनी लाइफ में मगरमच्छ के मीट को भी काफ़ी शौक से खाते हैं और ऐसा कहा जाता है कि चीन के लोग ब्रेकफास्ट में मगरमच्छ का मीट खाना भी काफ़ी पसंद करते हैं। इसे भी वहां पर या तो आमतौर पर सूखा या फिर राइस के साथ खाया जाता है। वैसे इसका सूप भी लोग वहां पर काफ़ी शौक से पीते हैं। नंबर 4, नूडल्स। दोस्तों, चीन के लोग अपनी लाइफ में नूडल्स भी काफ़ी शौक से खाते हैं और ये उनके ब्रेकफास्ट का एक अहम अंग माना जाता है। हालांकि चीन के लोग नूडल्स को भी आम तौर पर या तो हरी सब्जियां या फिर मीट के साथ ही खाना पसंद करते हैं।